नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओजोनोकृत यानी ओजोनाइज्ड मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि प्रचलित शब्द यही है और आप अधिकतर यही सुनते हैं। कंपनियां भी जो बेचती हैं वही लिखती हैं ओजोनाइज्ड। ये अगर पानी है ओजोनोकृत, ओजोनाइज्ड वाटर है, मैं यहाँ जल लिखूंगा। अगर ओजोनोकृत जल है, चलिए अंग्रेजी को हटा देते, सिर्फ आपको संदर्भ के लिए बताते हैं, हम अंग्रेजी को शब्द आते हैं, तो ओजोनोकृत वाटर जो होता है वो किस तरीके से सुरक्षित होता भी है या नहीं, और होता ही क्या है, ये आपको बताने के लिए हम आए हैं। मित्रों, ओजोन एक गैस है। ओजोन ये समझिए ऑक्सीजन की बड़ी बहन, क्योंकि ऑक्सीजन में होते हैं ओ के दो परमाणु और इसमें होते हैं ओ के तीन परमाणु। ओ के दो परमाणु से बनती है ऑक्सीजन गैस, तीन से बनती है ओजोन गैस। बनाई ऐसे जाती है कि किसी बहुत तेज इलेक्ट्रिक आवेश पर आप ऑक्सीजन प्रवाहित करें तो बन जाएगी ओजोन, या फिर अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी प्रकाश प्रवाहित करें तो बन जाएगी ओजोन। मगर आज हमारा सवाल ये नहीं है, ये तो हमने आपको इसलिए बता दिया, ये तो आपको पता ही होगा कि धरती के ऊपर भी ओजोन की पूरी परत है। आज हमारा प्रश्न यही है कि ओजोनोकृत जो पानी होता है वो पहली बात तो होता ही क्या है, और क्या वो फायदेमंद होता है ओजोनोकृत पानी। तो मित्रों, ओजोनोकृत पानी मैं आपको बता दूं बहुत बढ़िया होता है। बहुत बढ़िया क्यों होता है, मैंने इसकी इतनी तरफदारी क्यों करी, इसलिए मित्रों क्योंकि ओजोनोकृत पानी, जब ओजोन पानी में मिला दी जाती O3, वो इसमें पानी में घुल के पैदा करती है ऑक्सीजन जो O2 होती है। मैंने आपको बताया O3 से हो जाती है O2, इसे ऑक्सीकरण कहते हैं, इसका ऑक्सीजन पैदा करती है। ये ऑक्सीजन बड़ी कहते हैं हल्ला काटू तूफानी ऑक्सीजन पैदा होती है जब पानी में पैदा हो रही होती, बिल्कुल तूफानी। पानी में जितना ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म कीटाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, सबको मार देती है। पानी का जो चीजें पानी का स्वाद बनाती है उन्हें भी खत्म कर देती है। इसलिए इसका पानी का स्वाद आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा सुरक्षित होता है, इससे आप निश्चिंत रहें। दूसरा पानी कहा जाए, भाई पानी तो क्लोरीन से भी साफ कर लिया जाएगा। क्लोरीन से अगर साफ कर लिया जाए पानी, इसमें क्या बुराई है, और क्लोरीन से साफ किया जा सकता था, तो क्लोरीन से, ये बात मैं मानता हूँ, क्लोरीन से साफ किया जा सकता है, और क्लोरीन का पानी साफ करना क्लोरीन से सस्ता भी पड़ता है। मगर क्लोरीन क्या करता है कि निष्क्रिय कर देता है जो छोटा बैक्टीरिया या जो सूक्ष्म बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, इसमें कीटाणु वगैरह हैं, उन्हें मारता वारता नहीं, अटैक नहीं करता, हमला नहीं करता, ये उन्हें निष्क्रिय कर देता है। निष्क्रिय करके जब आप पानी क्लोरीन वाला पीते हैं तो उसके दरअसल एक परत बहुत हल्की सी उसके नीचे उनकी होती है जो बचे मरे बेचारे जीवाणु होते हैं, तो ये पानी में रहने देता है, मार देता है, मगर वो पानी में घुले रहते हैं, मगर बिल्कुल मर चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं। तो आप आराम से पानी ओजोनोकृत पी सकते हैं, पिया क्लोरीन वाला पी सकते हैं, उससे नुकसान नहीं होता कि वो नीचे रहते, मगर पानी का स्वाद बदल जाता है, और ये उतना सुरक्षित नहीं है जितना ओजोन वाला है। बिल्कुल स्मार्ट ऑक्सीजन बनाता है। तो फिर ये देखिए कि ओजोनोकृत वाटर का कितना बड़ा फायदा है। ओजोनोकृत वाटर आप पी सकते हैं, पानी आप पी सकते हैं, हालांकि महंगा पड़ता है। वैसे तो पानी को सही से पीने का सबसे अच्छा उपाय, पानी उबाल लीजिए, उबला पानी पी लीजिए। मगर अगर कहीं आप हैं जहाँ बिल्कुल सुरक्षित आप पानी पीना चाह रहे हैं, आपको लगता है कोई यहाँ पे आप खतरा नहीं ले सकते, तो ओजोनोकृत जल का आप प्रयोग कर सकते हैं बेधड़क। और हमारे चैनल जिज्ञासा को भी देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।